रंगोली बाय ARY फैजान नजर कलेक्शन, आज ही सेव करें इंस्टेंट गोल्ड 15% और ARY कॉइंस 15%। विजिट ARY सहूलत बाजार .pk/ARY-fashion। आंखें खोलो, देखो कितनी खूबसूरत लग रही हो तुम। ये ना सारा मेकअप, मैं बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही हूँ। अच्छा नहीं हो गया? इतनी खूबसूरत तो लग रही हो तुम। ये जो तुमने मुंह पर 4-5 किलो मेकअप लगाया ना, इससे तो चेहरे का पता ही नहीं चल रहा। वैसे मेकअप तुमने खुद किया है? आंटी क्या हो गया आपको? मेरी भाभी की बेइज्जती कर रही हैं आप। सारा तुम ऊपर चले जाओ। अम्मी मैं आपको बता रही हूँ, वो परेशान है और मेरे पूछने पर भी वो मुझे नहीं बता रही। आप ही पूछ लें उससे। झूठा तो बता देती ना तुम्हें। अगर नहीं बता रही तो इसका यही मतलब है कि कुछ नहीं है। मैं तो वैसे भी अल्लाह वास्ते का बैर है ना भाभी से और माही से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो भाई? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अब शाइस्ता आंटी नहीं आई? नहीं नहीं, वो तो घर में दोपहर से धोबी बन के कपड़े धो रही है। वो सारे घर वाले जारा के ससुराल गए ना। तो आप लोग नहीं गए? कोई कहेगा तो जाएंगे, जबरदस्ती तो जाने से रहे। बस घर वालों ने कहा है कि शाइस्ता जरा घर की सफाई कर देना और चले गए। क्या हुआ? सॉरी भाई, तुम्हारा ससुराल है लेकिन क्या करे, झूठ तो नहीं बोल सकते। नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। अंदर आए ना भाई। अम्मी कैसी है? शादी में तो उनकी तबीयत बहुत खराब थी। अम्मी की तबीयत अब बहुत बेहतर है अल्लाह का शुक्र है, बस अभी आराम कर रही है। आराम कर रही है तो मैं उन्हें डिस्टर्ब नहीं करूंगा, मैं बाद में आ जाऊंगा। शाइस्ता का नंबर है, मुझे फोन कर देना, मैं आ जाऊंगा। कैसी बातें कर रही है, आए अंदर बैठी ना, मैं बड़ी मजे की चाय बनाती हूँ, आ जाए। अब आप ही समझाए भाई साहब इस अदील को, फलीमा नहीं होगा तो क्या खाक अच्छा लगेगा। हद होती है, बस जिद पकड़ लिया इसने कि वलीमा नहीं होगा। सारी रौनक तो आपके घर लग गई है, मेरे घर में क्या हुआ? खिलौता बेटा है, कुछ समझाए ना इसे। मेरी तो समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या समझाऊं, ये तो आपके घर का मामला है। लो भैया, ये अच्छी कही आपने भाई साहब, यानी के बेटी की शादी करते ही आपने तो पराया कर दिया हमें बस। यानी कि आपने तो एक ही दिन में भरा दिया कि आपका इस घर से एक और रिश्ता भी है। अम्मी देखिए, मैंने और जारा ने शादी से पहले ही डिसाइड किया था कि वलीमे का खाना हम यतीम खाने में देंगे, और अगर आपने किसी और को बुलाना है घर पे, रिश्तेदारों वगैरह को, तो आप बुला कर उनकी दावत कर सकती हैं। अभी वैसे बात तो बिल्कुल ठीक है, हम अपनी खुशियों की खातिर खाम खार लाखों रुपए खर्च कर देते हैं दूसरों को खाना खिलाने पर। इनको ना भी खिलाएं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे बेहतर मैं हाल में घर पे खा सकते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, मैं कुर्बान चली जाऊं। देख रहे हैं आप सब,
कितनी अच्छी तरबियत की है हमने अपने बच्चे की, यानी एक ही बात में ना सारी बहस जीत ली इसने, और बात भी ऐसी की है कि मैं तो अब कुछ कह ही नहीं सकती, तय हो गया बस, वलीमा नहीं होगा। नहीं, वलीमा होगा, लेकिन उस तरह नहीं होगा जिस तरह आमतौर पर होता है। ठीक कह रहा हूं ना बेटा? मुझे लगता है माहीन को कोई एतराज है, कुछ कहना चाह रही है ये, कहो। मुझे किसी से कुछ नहीं कहना, और कुछ कहने के लिए ना मुझे किसी की इजाजत लेने की जरूरत नहीं, समझे तुम? तुम तो बुरा मान गई, मुझे लगा तुम्हें शायद कुछ कहना है तो बुलवा दो। खैर, I'm sorry अगर तुम्हें बुरा लगा भाई। तुम्हें जो लगता है ना लगे, मुझे फिलहाल किसी से कुछ नहीं कहना। कोई मुझसे पूछ ले मुझे क्या लगता है, मुझे चाय ठंडी लग रही है। आया, चाय ठंडी लग रही है? माही उठो ना भाई, कुछ चाय गर्म करके ला दो। नहीं, जानने की क्या जरूरत है, ये कब थोड़ी देर के लिए पकड़ लेना आप, जितनी तपी हुई आप हैं वैसे ही गर्म हो जाएगी ये। शायद क्या हो गया माही, निम्को देना जरा मुझे। शुक्रिया भाई। बिटॉली तुम बुरा मत मनाना, साथ तुम्हारा भाई है, लेकिन मैं मजबूर होकर ये बात कह रहा हूँ। देखो, जैसे तुम्हारी माँ है वैसे साथ की माँ है, सिर्फ तुम्हारा फर्ज तो नहीं है ना अपनी माँ का ख्याल रखना, साथ हर जिम्मेदारियों से मुबर्रा रहे, वो तो हर वक्त ससुराल में बैठा रहता है। अदनान अंकल, अगर अम्मी की बात है ना तो मुझ पे बोझ थोड़ी है, भाई करना चाहते हैं करें, नहीं करना चाहते तो उनकी मर्जी है, मैंने तो खैर करना ही है ना। और वैसे भी अदनान अंकल, अगर मैं एतराज करती भी हूँ ना तो भाई के लिए करती हूँ। मुझे एक बात बताएं, अच्छा लगता है ऐसे किसी के घर हर वक्त जाके बैठे रहना? बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, और ससुराल का मामला तो बहुत ही खतरनाक होता है, हर रिश्ते से खतरनाक रिश्ता होता है ये, इज्जत बेइज्जती का पता ही नहीं चलता। खैर, अब जारा की शादी हो गई है तो अब मुझे लगता है आने जाने कम हो जाएगा, है ना? अदनान अंकल, जारा का तो सिर्फ बहाना है, असल चक्कर तो जैनी का है। आपको पता है भाई उसे यूनिवर्सिटी छोड़ने भी जाते हैं, लेने भी जाते हैं, 10 रुपए की पेंसिल भी चाहिए होती है ना तो इस घर पे कॉल आती है। अरे तो क्या हो गया, वो मंगेतर है, उसका तो हक है, और वैसे भी वो क्या कहते हैं, 7 वक्त गुजरता है, केमिस्ट्री बायोलॉजी बनती है, तो आने वाले वक्तों के लिए अच्छा होता है। लेकिन जारा की तरफ जो झुकाव है ना साथ का, वो पता नहीं थोड़ा अजीब सा लगता है बस। यही कहा था मैंने भाई को, बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। तो कोने वाली सलमा आंटी है ना, वो भी यही कह रही थी कि ये साली से इतना मेल जोल अच्छा नहीं होता। अदनान अंकल, आप समझ रहे हैं ना, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है भाई के बारे में कोई इस तरह की बात करता है। पता नहीं अल्लाह जाने, मुझे समझ नहीं आता कौन सा जादू किया है, बिल्कुल उनकी मुट्ठी में होकर रह गए भाई। जो हाल शायस्ता आंटी का है ना, वही हाल भाई का है, इनफैक्ट वही हाल अदील भाई का भी है। हद हो गई, समझ ही नहीं आता, इंसान को पता ही नहीं चलता उन्हीं का होकर रह जाता है। अनानकल, आप ये बातें किसी से जाकर कहेंगे तो नहीं ना? अरे पागल हो गई हो, किसी से जाकर कहेंगे नहीं भाई, जितनी बातें तुम मेरे साथ कर रही हो उतनी मैं तुम्हारे साथ करूं, मैं किसी से क्यों कहूंगा, वैसे भी मेरी आदत ही नहीं है। अच्छा, वो नहीं, असल में हमने कभी बैठ के इतनी लंबी बात नहीं की ना, तो इसलिए। वो अम्मी भी कहती हैं कि अगर कोई आपसे किसी की बात कर रहा हो ना तो वहां जाके फिर आपकी बातें भी करता है, तो बस इसलिए। नहीं नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है, वो तो मैंने शादी में देखा था, माहीन का रवैया तुम्हारे साथ बहुत ही बुरा था, इसलिए तुमसे बात करने बैठ गया भाई। कुछ कह रही थी क्या? क्या कहेंगी, मुझे तो वो मुंह ही नहीं लगाती, मुझे तो कुछ समझती नहीं है, और मैं भी उनसे बात नहीं करता हूँ भाई। अब क्या करें, जो सच बोलता है ना इस जमाने में उसके साथ यही होता है। ये लेना। मैं तो जी बहुत मुतमइन हूँ सारा को खुश देख के। बस दुआ करती रहा करो दुनिया के सारे बच्चों के लिए।
अदील तो सोच से बढ़कर अच्छा निकला है जारा के हक में। फरीदा भाभी भी खुशी हैं। मेरा ख्याल है कि हमें चलने की तैयारी करनी चाहिए। मैं अभी तो कब से यही कह रही हूँ। क्यों जी, अभी क्यों, रुक जाते हैं कुछ देर। क्यों, वलीमा भी नहीं हो रहा, रुकने की कोई वजह भी नहीं है। बेटी का ससुराल है, बिना वजह रुकना अच्छा नहीं लगता। अरे मेरा तो ख्याल था कि आप लोग कुछ दिन रहकर जाते, एकदम से आप चल पड़े। अरे, अरे हाँ ना भाई साहब, कम से कम खीर पकाई की रस्म तक तो रुकना ही चाहिए था ना आप लोगों को। आंटी उसमें तो काफी दिन लग जाते, वो असल में जारा को खीर बनानी नहीं आती। इसकी भी कोई टेंशन नहीं है, अदील है ना जारा की जगह, वो खीर बना देगा। जारा बेटा ये लो, कि तुम रखो, तुम और अधीन जो चाहो। असल में भाभी अधीन ने और भाईजान ने भी बड़ी सख्ती से मना किया था कि जहेज ना दिया जाए, तो इसलिए हमने सोचा कि बच्चे अपनी मर्जी से कुछ ले लेंगे। अरे ये क्या कर रहे हैं आप भाई साहब, बेटा वापस करना चाहिए ना ये चेक, इसकी क्या जरूरत है भला। ये अल्लाह 25 लाख रुपए, नहीं, ये 25 लाख रुपए इतनी बड़ी रकम क्या करेंगे बच्चे, सरवत खुद सोचो। सबसे पहले हनीमून पर जाएंगे, फिर चाहे जो करें। अब फिर भी ये तो बहुत बड़ी रकम है, सरवत इससे तो अच्छा था कि दहेज ही दे देते, मतलब दुल्हन अपने साथ लेके आती, चार लोग मिलने आते तो देखते तो सही कि दुल्हन के माँ बाप ने इतना सारा जहेज दिया है। बात यह है ना कि हमें दिखावे की आदत नहीं, और वैसे भी ये तो एक बाप का अपनी बेटी के लिए तोहफा है, इसमें दिखावा कैसा। हमें आपने सुना नहीं माही ने क्या कहा, बाप का बेटी के लिए तोहफा है। वापस करें चेक, आपका कोई हक नहीं है इस पर। भाई बिल्कुल बिल्कुल, ये लो रखो जरा, तो तुम्हारे अब्बा ने तुम्हें तोहफा दिया है ना भाई, हमारा तो कुछ बोलना बनता ही नहीं है, हम कौन होते हैं बोलने वाले। अच्छा जी, इजाजत दीजिए आप। हमें तोहफा ये बहुत बड़ी रकम है, यूं अच्छा नहीं लगता। बेटा मेरी बेटी की खुशी से ज्यादा बढ़ के नहीं। अच्छा जी, सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम, अल्लाह हाफिज। अच्छी सनत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आती रहे ना सरवत, अब तुम्हारी बेटी है हमारे घर में ना। बिल्कुल आप भी आइएगा, बल्कि मैं बुलाऊंगी आप जरूर जल्दी। ओके देख लिया ना तुमने, कहा था ना मैंने तुमसे कि ये जो सरवत है ना उसके सामने तो अभी तुम पैदा भी नहीं, लेकिन तुम्हें कहां समझ आनी होती है मेरी बात। और तुमने क्या कहा था कि अम्मी अच्छा है जहेज नहीं देंगे, दब के रहेगी, कमतर समझेगी अपने आप को। अरे 25 लाख का चेक था वो, मैंने खुद देखा था, लेकिन हमारे हाथ क्या आया, सामान होता कम से कम। अरे भाई सामान होता तो क्या हो जाता, आजकल की लड़कियों को आप नहीं जानती, जहेज का एक ग्लास तक नहीं निकालती, तो सामान आपको कौन सा मिल जाना था। माही माही तुम्हें समझ में ही नहीं आ रहा कि उन्होंने गेम क्या खेला है हमारे साथ। घर तो कैसे बावले होगा तुम्हारे अब्बा ने दिलवा दिया, और पैसे उन्होंने दे दिए कि लो बेटा जाओ घर पे लगाओ, लड़के को पकड़ो साइड पे हो जाओ। साजिश हो रही है मेरे खिलाफ साजिश, लेकिन तुम्हें नहीं समझ आ रही ये बात। अरे समझ आपको नहीं आ रही, ये सारी गड़बड़ ना आपके बोलने की वजह से होती है। आपको पता है ये जारा को घर पैसा ये सारी चीजें क्यों मिल रही हैं? क्योंकि वो अपना मुंह बंद रखती है,
अरे नीसनियों की तरह ये जो खामोश रहती है ना, उसी का इनाम मिला है। और आप क्या करती हैं? बर 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 सब कुछ बोल देती हैं। अरे इसी की तो सारी गंध है। देखिए आप मेरी बात सुने, ये जो आप होशियार बनने के चक्कर में बेवकूफ बनती है ना, आप नहीं फंसती, आपकी वजह से मैं फंसती हूँ, नाम मेरा खराब होता है। हाय तो मैं क्या करूँ, नहीं देखा जाता ना मुझे, नहीं कर सकती मैं ये सब कुछ। मेरे सामने मुझे पीछे फेंका जा रहा है, मेरे बेटे को छीना जा रहा है मुझसे। और साफ बात यह है कि मैं घुन्नी नहीं, मुझसे मिसनापन नहीं होता सरवत की तरह, मैं ऐसी ही हूँ, सबके सामने भी ऐसी हूँ और असल में भी ऐसी हूँ। यार अम्मी खुदा का वास्ते जरा अपने आप को कंट्रोल करें, अपनी जबान को कंट्रोल करें। आपको पता है ना ये बात, जारा आपकी मर्जी से इस घर में नहीं आई थी, और अगर वो आपकी मर्जी से इस घर में आई नहीं है तो आपकी मर्जी से वो इस घर से जाएगी भी नहीं। समझ रही है ना मेरी बात आप? नहीं, कुछ समझ नहीं आ रहा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मेरा सर फट जाएगा। अल्लाह का वास्ता है, चाय बना दो मुझे। मैं चाय लेकर आती हूँ, लेकिन कसम है उसके बाद जाके ना आप लेटेंगी, थोड़ी देर आराम करेंगी। मेरा बच्चा मेरे हाथों से जा रहा है, कह रही है आराम करें। गेट से ये लो भाई, सारा सामान ले आया हूँ, खाना बना लो, तुम्हारे भाई साहब आ रहे हैं। क्या मंजूर भाई लोग वापस आ रहे? आपसे किसने कहा? इधर वाले फरिश्तों ने नहीं, उधर वाले फरिश्तों ने, फोन आया था उन्होंने बताया। सारा और अदील भी साथ आ रहे हैं? ये तो मुझे पता नहीं और मैंने पूछा भी नहीं। मतलब वलीमा शलीमा कुछ भी नहीं हो रहा? जुमेद दाना खास्ता, वहां कोई ऐसी वैसी बात नहीं हो गई? तुम मेरी बात सुनो शायस्ता बेगम, ये औरतों वाली बातों में पढ़ना ना मैंने छोड़ दिया है, जनाब का ही हुक्म था ना। अब जब तुम्हारे भाई साहब आएंगे तो उनसे पूछ लेना। खाना तैयार कर लो अपने भाई साहब के लिए। जरूर कोई बात नहीं, नमाज में बात हुई क्या? अदीप क्या आप रखे हैं? ये किस खुशी में रख लूं मैं? इतने सारे पैसों का मैं क्या करूंगी, आप रख लें, आपके काम आ जाएंगे। याद है ना साथ में क्या कहा, इससे हनीमून पर जाएंगे। साथ तो कुछ भी बोलता है, आप साथ की बातों को सीरियस लेते हैं? हाँ इन बातों से मेरा फायदा हो उनको तो सीरियस लेना चाहिए, क्यों? आप जाना चाहते हैं? बिल्कुल, अगर तुम ले जाओ तो क्यों नहीं। मैं मतलब? हाँ ना, अगर तुम अपने शोहर को सलामी दे सकती हो तो फिर हनीमून पर भी लेकर जा सकती हो ना, क्या बुराई है इसमें? आपको पता है बहुत फजूल बातें करते हैं, इसे अपने अकाउंट में डलवा लें, मुझे नहीं चाहिए। ज़ारा ये तुम्हारे पैसे अपने पास रखो। पर मैं इन पैसों का क्या करूंगी? आप इन पैसों से छोटा सा क्लिनिक खोल लें, रख लीजिए ना। अच्छा तो बिजनेस करना चाहती हो तुम, तो फिर बताओ कितने परसेंट इंटरेस्ट लोगी? 100%। ये की ना बीवी वाली बात, लाओ दो। अच्छा मुझे अपना अकाउंट नंबर दे देना, कब जमा करवा दूंगा। अदील आपको दिया ना मैंने ये चेक। हाँ तो ठीक है ना, तुमने मुझे दे दिए, अब ये मेरी मर्जी है मैं अपने अकाउंट में जमा करूँ या फिर तुम्हारे में। बहुत जिद्दी हैं आप। वो तो जैनी, जैनी। हाँ क्या हुआ, कहाँ जा रहे हो? अच्छा घर जा रहा हूँ, कोई काम है तो बता दो। नहीं काम तो कोई नहीं है, लेकिन तुम खाना खाकर जाना ना, शायस्ता पप्पो ने इतने प्यार से खाना बनाया हमारे लिए। नहीं यार मेरा पेट बिल्कुल फुल है, ज़ारा की सास ने ना खिला खिला कर सही बदला लिया मुझसे।
वैसे तुम्हारा बेतकल्लुफ होना उन्हें कितना बुरा लग रहा होगा ना? उन्हें क्या बुरा नहीं लगता, लेकिन मुझे हैरत इस बात की है कि अदील इतना डिफरेंट कैसे है? माही भी आंटी पे गई है। हाँ, सबकी अपनी अपनी नेचर। अब मेरा भी तो उसी घर का हिस्सा है ना, लेकिन वो बिल्कुल अदील भाई जैसी है। अच्छा, मुझे याद आया, मेरा हिस्सा निकालो। कौन सा हिस्सा? कहाँ का हिस्सा? क्या बात कर रहे हो, कौन से हिस्से की बात कर रहे हो? कौन सा हिस्सा, कहाँ का हिस्सा? इतनी जल्दी भूल गई हो? अदील ने क्या कहा था? इन पैसों में मेरा और तुम्हारा दोनों का हिस्सा है। अब हाँ, वो भाई तुम्हारे हिस्से पर भी तो मेरा ही हक है ना। वाह क्या बात है, जब अपने मतलब की बात आई तो फौरन हक जता दिया। देख लूंगा तुम्हें मैं। अच्छा ये बताओ, कल यूनिवर्सिटी जाओगी? कल यूनिवर्सिटी जाओगी? जाना पड़ेगा, इतनी छुट्टियां हो गई। और प्लीज तुम ना सुबह टाइम से आ जाना। पहले मेरा हिस्सा निकालो, फिर लेने आऊंगा मैं। तुम्हारा हिस्सा तो मैं तुम्हें नहीं दूंगी। तुमने आना है तो आओ, नहीं आना तो तुम्हारी मर्जी। नहीं आऊंगा। नहीं आओगे? नहीं। ठीक है, मैं खुद चली जाऊंगी। अच्छा आ जाऊंगा लेने, फोन करके उठा देना। फोन तो मैं कर ही लूंगी, लेकिन तुम उठाओ तब ना, मैं तो पागल हो जाती हूँ सुबह के टाइम तुम्हें फोन कर करके। अच्छा सोचूंगा इस बारे में। अरे अच्छा अभी तो जा रहा हूँ मैं, लेट हो रहा हूँ। अच्छा ठीक है, अल्लाह हाफिज़। आ जाना सुबह टाइम से। आ जाऊंगा, आ जाऊंगा। ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। वहां पर भी यही रट लगाई हुई थी उसने, यहाँ के भी यही रट है। जारा का मुंह नहीं देखा आपने? जारा का मुंह देखे? जारा का मुंह देखे? अरे भाई जारा का मुंह देख के ही शादी की थी उसकी, कोई जबरदस्ती नहीं की थी हमने, उसके पसंद से की थी ना, इसे क्या प्रॉब्लम है? असरा भाभी क्यों गुस्सा कर रही है? जारा माशाल्लाह से अपने घर में खुश है ना? अल्लाह का शुक्र है, बहुत खुश है, माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, बेटियां तो अपने घर में खुश ही रहें तो अच्छा है। जारा से ज्यादा तो उसके ससुराल वाले खुश हैं, अल्लाह मियां की गाय जो मिल गई है उनको। बेटा इसका क्या मतलब है? गालिब का शेर तो सुनाया नहीं, सीधी सी बात की है, समझ आ गया होगा, नहीं आया क्या? क्या पागल हो गई हो? दिमाग बिल्कुल ही खराब हो गया तुम्हारा, हर वक्त शक करती हूँ। दिखावा ना दिखाने के लिए करते हैं अम्मी, और आपने आपने देख दाग के भी इग्नोर कर दिया। मुझे एक बात बताएं, आप असल में बुरा किसका चाह रही हैं? क्या हो गया है माई तुम्हें? तुमसे अगर कोई बात की है ना जारा ने, तो बताओ मुझे। माँ बाप जिंदा है उसके, अभी मरे नहीं है। वहां पर भी वही रट लगाई हुई थी उसने, यहाँ के भी यही रट है। जारा का मुंह नहीं देखा आपने? जारा का मुंह देखे? जारा का मुंह देखे? अरे भाई जारा का मुंह देख के ही शादी की थी उसकी, कोई जबरदस्ती नहीं की थी हमने, उसके पसंद से की थी ना, इसे क्या प्रॉब्लम है? असरा भाभी क्यों गुस्सा कर रही है? जाहिर है बहन है, इसको फिक्र हो रही है उसकी। हाँ तो समझाओ ना किसी से, तुम समझाओ उसे कि ससुराल ससुराल होती है, उसे ससुराल समझे, बाप का घर नहीं। अच्छा ससुराल ससुराल होते हैं, तो फिर एक बात बताएं, वहां से बाप बनने की कोशिश क्यों करते हैं? अम्मी जारा खुश नहीं है, और मैंने ये उससे भी कह दिए कि जब वो तंग आए ना तो बता दे, वो सिर्फ और सिर्फ ड्रामा कर रही है, ड्रामा। थप्पड़ मार दूंगी इसके मुंह पे किसी। आपको पता तो है इसकी आदत, खुद तो घर छोड़ के आके बैठ गई। अच्छा ना आप अपना ब्लड प्रेशर क्यों हाई कर रही हैं? पता है ना इसकी आदत का आपको, छोड़े बहन को भी नहीं बस रहते ना। आपने बिल्कुल ठीक कहा था, बहुत बड़ी गलती हो गई है। ये गलत फैसला करती है, ये लीजिए चाय। क्या हुआ है आपको? कुछ नहीं, लाइटें ऑफ कर दो, थोड़ी देर आराम करूंगी। अम्मी ने कुछ कहा है क्या? बताए ना क्या हुआ है आपको?
जैनी, तुम्हें नहीं लगा, बैठो ना, तुम्हें नहीं लगा कि ज़ारा झूठ बोल रही थी? वो परेशान लग रही थी, खुश नहीं है। हाँ, हमें भी ऐसा ही लग रहा था, लेकिन उसी ने तो हमें बताया कि वो हमें मिस कर रही थी, इसलिए परेशान थी। नहीं, वो झूठ बोल रही थी। तुमने देखा नहीं माही कैसे उसे बात बात में टारगेट कर रही थी? देखें, ये आपका वहम भी तो हो सकता है ना। हो सकता है माही आप ही को अपने रवैये पर अफसोस हो रहा हो, इसलिए वो ज़ारा के साथ मिलजुल कर रहना चाहती हो। तुम लोग ऐसा सोच सकते हो, मैं नहीं। मैं माही की रग रग से वाकिफ हूँ, वो बिना मकसद के ना किसी को मुंह भी नहीं लगाएगी। अच्छा चलो तुम जाओ, मेरे सर में दर्द हो रहा है, मैं थोड़ा आराम करूंगी, थोड़ा सोना चाहती हूँ। ये लाइटें बंद कर जाना प्लीज। आपने जरा माहीन को अपनी जबान में समझा दें। दिन ब दिन पहले से ज्यादा बद जबान, बदतमीज होती चली जा रही है, बददिमाग होती चली जा रही है। क्या क्या हुआ उसने भाई? जरा के पीछे हाथ धो के पड़ गई। मतलब कोई अच्छी बात तो इंसान मुंह से निकाले, हर वक्त बच्चे घूमने की बातें। भाई कोई बताए इसको जरा की माँ मैं हूँ कि ये है? बड़ी बहन है, गड़बड़ी में कर देती हूँ ऐसी बातें। मेरी सुने आप, इसके शौहर से बात करें और इसका हल निकालें, इसे भेजें इसके ससुराल, वहां जाए और वहां उनका दिमाग खाए। मेरी अब बस हो गई, मेरी हिम्मत खत्म हो गई इसके साथ। वहां फरीदा के घर में भी हर वक्त धड़का लगा रहता था मुझे कि अब इसने कुछ कहा कि ना। सब परेशान ना हो, मैं कर लूंगा उससे बात। हाँ समझा दीजिएगा इसे, वरना इसके साथ साथ ज़ारा को भी भुगतना पड़ जाएगा। अल्लाह ना करे, तुम भी अजीब सी बातें करनी शुरू कर देते। बहुत अच्छा लग रहा है तुम पे कलर। ये आपका फेवरेट कलर है? हाँ फेवरेट तो है, लेकिन जब से तुमने पहना ना और भी फेवरेट। चलना कब है? बस तुम रेडी हो जाओ, चलते हैं फिर। मैं तो रेडी हूँ, आप मैनेजर से पूछ लें, साथ चलेंगे। हाँ मैंने उनसे पूछा था, दरअसल वो माही के साथ बाहर जा रही है तो इसलिए जा नहीं सकती। माही के साथ? अच्छा क्या बात है, किसी ने कहा है तुमसे कुछ? सब बहुत अच्छे हैं, मेरा बहुत ख्याल रख। अदील, मेरी हर खुशी आपके साथ है, जैसे साया साथ नहीं छोड़ता वैसे इराक साहब, मेरी हर खुशी आपके बिना अधूरी है।
मैं आपके बिना नामुकम्मल हूँ। थैंक यू सो मच। अब अगर एबिलिटी हो गई हो तो चले लेट्स गो। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो आप सैन? हम लोग आपके लिए कुछ गिफ्ट लाए हैं। डॉली, मैं खास तौर पे तुमसे मिलने आया हूँ। तुमने कहा था कि जब मैं कराची वापस आऊंगा तो तुम मुझसे बात करोगी। कोई फायदा नहीं है। अरे फिर भी क्या बात है, तुमने क्यों कहा था कि मुझे ये सब? मैं कहा ना अली, कोई फायदा नहीं है। देखो डॉली, कल मैं चला जाऊंगा, फिर सिर्फ फोन पे बात हुआ करेगी। इससे बेहतर है कि तुम आमने सामने ही बात कर लो। मुझे लगता है आपकी फैमिली को ना मैं पसंद नहीं। मैना पिको मुने की बात कर। अरे ऐसा क्यों कह रही हो तुम? आपने नहीं देखा कल क्या हुआ? पूरी शादी में उन्होंने मुझे किस तरह से ट्रीट किया है। तंज करती हैं, ताने मारती हैं, कोई तरीका होता है अभी? उस घर की होने वाली दहेज हूँ, हमारी शादी होने वाली, किसी ने कुछ नहीं कहा, कोई सवाल नहीं किया, जैसे मैं एग्जिस्ट ही नहीं करती। ये कोई तरीका नहीं है मुझे ट्रीट करने का। अच्छा मैं करता हूँ माइना से बात। आप क्या बात करेंगे अली, क्या कहेंगे कि जिस डॉली ने आपकी शिकायत की है ताकि वो मेरी जिंदगी और मुश्किल कर दे? उनसे बात करने का कोई फायदा नहीं अली, उल्टा नुकसान ही है। जब तुम चाहती हो कि मैं उनसे बात ही ना करूं तो बात ही क्यों कर रही हो? अली मैं आपसे बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि अगर आप अपने घर में मेरी इज्जत नहीं करवा सकते ना तो आप फैसला कर लें। अली आपसे प्यार करती हूँ, उसे शादी करना चाहती हूँ, लेकिन उसकी कीमत हरगिज़ मेरी इज्जत नहीं हो सकती। अब माहिन आपी को कैसे समझाना है, क्या कहना है, ये आपका मसला है। लेकिन अली आइंदा अगर आपके घर वालों में से किसी ने भी मुझसे कोई उल्टे सीधे बात किया, मुझे इस तरीके से ट्रीट किया ना, तो आप मेरा फैसला जानते हैं।
कितने दिन हो गए हमारी शादी को और पता भी नहीं चला। हाँ बिल्कुल ठीक कह रही हो, तो बस कल से हॉस्पिटल ज्वाइन कर रहा हूँ। हम अबू की तरफ कब जाएंगे? तुम जब कहो चले जाएंगे। पर कल से तो आप हॉस्पिटल ज्वाइन कर रहे हैं। हाँ लेकिन बस एक जरूरी काम है, उसके लिए जाना है, अभी वेकेशंस तो बाकी हैं मेरे पास। अच्छा छुट्टियाँ खत्म हो गई, तो अच्छी बात है। लेकिन मैं तुम्हें एक बात बता दूं, हम कराची नहीं जा रहे। ऑब्वियसली तुम इतने साल वहाँ पे गुजार के आई हो, कुछ अरसा मेरे साथ भी गुजार लो। ठीक है हम बाद में चले जाएंगे। वैसे अगर तुम कहो तो हम मंथ के एंड पे जा सकते हैं। ठीक है, मेरा मतलब नहीं है कि मलेशिया से वापस आके डायरेक्ट कराची चले जाएंगे। मलेशिया? आने मुंह को जाने का कोई प्लान नहीं है। मेरा मतलब ये कि हम जाएंगे, टाइम स्पेंड करेंगे, मजा आएगा। हाँ हम मलेशिया जा रहे हैं, ये कब डिसाइड किया? सरप्राइज था, लेकिन अब बता दिए, क्या कर सकता हूँ। मानी जान को पता, बताना भी मत। बिल्कुल शिव के लास। लग रही हो माशाल्लाह से। एक बात तो बताओ, ये जो तुमने सेट चढ़ाया है, ये मेके का है या तुम्हारे ससुराल का है? हाय हाय, ये देखें अपनी बहू रानी की कारिस्तानी। ये क्या है, तावीज है और क्या है? हाय बेड़ा गर्क, यानी कि अब ये तावीज गड्ढे करवा रही है मेरे घर के ऊपर। मैंने कहा था ना तुम्हें, जादू टोना करके फंसाया इसने मेरे अदील को। आई थी ना इसकी मां सरमत, उसी ने ला कर दिया होगा। मैं बता रही हूँ तुम्हें, ये उसी का काम है, ये उसी ने ला कर दिया था। भाई मेरी बात तो सुन ले आप। तुम छोड़ो, तुम मुझे ये बताओ ये तावीज तुम्हें मिला कहाँ से? अदील के तकिए के खिलाफ में से मिला ना, गिलाफ के अंदर करके छुपा के रखा होगा, सिलाई कर दिया होगा उस नौजत पारी ने। तुमने खुदा का वास्ते पहले मेरी पूरी बात सुन ले आप, पहले शोर मचाना शुरू कर देती है। अरे भाई किसी तकिए शकिए के अंदर से नहीं मिला। फिर ये तावीज तो मेरे पास एक हफ्ते से है, शादी के अगले ही दिन ड्रेसिंग टेबल से मिला था, अदील के कमरे में से। बताया क्यों नहीं तुमने? पहले क्यों नहीं बताया? अपने पास दबा के क्यों रखा हुआ था? जानबूझ के आपको नहीं बताया। अरे मुझे पता था आपने तो शोर डाल देना है, ऐसा तमाशा लगाना है कि सब दीवाने हो जाएं। जारा के घर वाले आए हुए थे, उनके सामने आपने ऐसा तमाशा खड़ा करना था, मुझे पता है ना। आपका तो काम ही शोर मचाना है। हाँ तो इतनी बड़ी बात देख के भी चुप रहूं मैं? ये तो नहीं हो सकता, ये तो हो ही नहीं सकता। यानी वो तावीज गंडे कर करके मेरा घर उजाड़ दे और मैं चुपचाप इंतजार करती बैठी रह जाऊं, है ना? आप बिल्कुल चुप हो जाएं, यही आदत ना मुझे आपको जहर लगती है। किसी की बात ही नहीं सुननी होती, और खास तौर पे मेरी तो आपने बात ही नहीं सुननी। चुप चुप, तुम चुप करो, मेरी बात सुनो तुम। आप चुप करें और अब आप मेरी बात सुनेंगी, कोई शोर नहीं मचाएंगी आप अम्मी। अरे पहले मालूम तो कर लें कि इस तावीज का मकसद क्या है, किसी सियाने को दिखा तो दे, पता तो चले इस तावीज का मकसद क्या है। अगर कोई ऐसी वैसी बात ना निकली तो? अरे ऐसे कैसे नहीं निकलेगी कोई बात, तुम्हें होगा शक, मुझे तो पूरा यकीन है भाई। नहीं जानती हो सरवत को, मुझसे पूछो मुझसे। दांत गिन रखे मैंने इस औरत के, ये भी उसी की बेटी है ना, उससे कम क्या दो चार हाथ आ गई होगी। पानी का ग्लास भी हो ना तो जरा देखभाल के पीना चाहिए, भले अपने हाथों से ही क्यों ना भरा, एहतियात बरतनी जरूरी है। अम्मी वो आपकी दोस्त नहीं बुशरा आंटी, वो जाती हैं किसी बाबू शाबू के पास, आप उनके साथ जाएं और किसी सियाने को चेक करवाएं इस तावीज में है क्या।
सनाओं के अधीन के आगे आप झूठी बन जाए, और घर में तमाशा लग जाए। समझ रही है ना आप मैं क्या कह रही हूँ? अच्छा अच्छा बस, ज्यादा नसीहत ना करो, जानती हो बस। मैं आपको बता रही हूँ अम्मी, सबूत के बगैर आपने कोई कदम नहीं लेना, कोई शोर नहीं मचाना। मैं आपसे बार बार एक ही बात कह रही हूँ अम्मी। कह दिया ना, चुप हो जाओ, पता है मुझे सब। समझती तो नहीं है आप, चुपी तो नहीं रहा जाता आपसे। अम्मी बता रही हूँ कोई बात नहीं करनी आपने। चुप हो जाओ, एक मैं इतनी परेशान बैठी हुई हूँ, ऊपर से नसीहतें करती चली जा रही है। हाँ तो परेशान होने से क्या होगा, जाए ना बुशरा आंटी को फोन करें। मेरा फोन तो ला के दे। A moment of the action. Catch PSL 9 live on A Sports.